नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। हाजीपुर वैशाली के जिले के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस लाइन के पास उस समय अफरा तफरी का माहौल जम गया था, जब एक तेज रफ्तार से पिकअप वैन ने महिला सिपाही को ठोकर मारी। वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन के पास उस समय अफरा तफरी मच गई, जब एक तेज रफ्तार के पिकअप वैन ने महिला सिपाही को ठोकर मार दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई, तो वहीं पुलिस बल ने आनन फानन में घायल महिला सिपाही को इलाज के लिए जौहरी बाजार स्थित एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां से सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया गया। सदर अस्पताल के डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए पटना PMCH रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार महिला सिपाही कमला कुमारी को पुलिस लाइन के पास पिकअप वैन ने ठोकर मार दिया, जिससे गंभीर रूप से वह घायल हो गई। बताया जा रहा है कि महिला सिपाही पुलिस लाइन जा रही थी, इसी दौरान यह दुर्घटना हुई। घटना की जानकारी मिलते ही सदर SDPO राघव दयाल अस्पताल पहुंचे और घायल सिपाही से घटना के विषय में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि पिकअप वैन को जब्त कर ली गई है, वहीं चालक खलासी को हिरासत में लिया गया है। वहीं इस घटना की पुलिस जाँच में जुट गई। ये भी कुछ देर पहले पुलिस लाइन के पास में एक पिकअप वाहन से एक महिला सिपाही दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। दुर्घटना के क्रम उनको जख्म आया है, पैर में, सिर में जख्म आया है और बायां हाथ में भी, बायां पैर और बायां हाथ में जख्म है। क्या क्लिनिक में इनका इलाज चल रहा है? कौन से वाहन की चपेट में है? पिकअप वाहन पकड़ा गया है सर। वाहन ड्राइवर साहब, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।